Social activist Swami Agnivesh trained gun at Prime Minister Narendra Modi, asking why he failed to stop cow slaughter in India despite promising people. In last August, Modi had accused Congress-led UPA of promoting slaughtering of cows and exporting beef to bring pink revolution. While interacting with media in Bhubaneswar, the social activist accused Modi of misguiding people by making false promises in his influential speeches during election rallies ahead of Lok Sabha polls. और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने भारत को वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का नंबर वन का बीफ एक्सपोर्टर बना दिया है, मीट एक्सपोर्टर बना दिया है। मेरी सरकार आएगी, मैं इसको बंद कराऊंगा। ये उनका स्पीच है, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 29 मई के बाद आज कितने दिन हो गए? 140-145 दिन हो गए। एक इंच भी उन्होंने उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया? एक इंच क्यों नहीं उठा रहे वो? उस समय भाषण दे करके वोट बटोर लिया और भावनाएं जगा दी या भड़का दी, जो भी कुछ किया। आज पूरे भारत में गौ हत्या पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है पार्लियामेंट? पावर्ड बाय NNIS।